यस्यां केच विभात भूधरसुता देवाय पदा मस्तगे भाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोरसी व्यालराट सोयं भूत विभूषण सर्वर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव ससनिवः श्री शंकर पातुमा। मुक्तिधाम चैनल में आपका स्वागत करते हुए मैं मथुरा से पंडित श्रीनाथ शास्त्री आचार्य भगवान शिव के विषय में किस प्रकार हमें भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, गांव से गांव में, शहर से शहर में, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह भगवान शंकर का मंदिर सब जगह प्राप्त होता है। भोलेनाथ के मंदिर में हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का, भूतनाथ का, शंकर भगवान का, उमापति का पूजन करना चाहिए, इस विषय में संक्षेप में मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद हमें पांच वस्तुएं लेकर भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। देखिए, जल, जल धारा सब प्रियम, भगवान शंकर को जल की धारा तो प्रिय है ही। इसके साथ साथ पुष्प यानी फूल, और फूलों के साथ में बेलपत्र और चंदन, धूप, दीपक और प्रसाद। पंचोपचार पूजा में हम किसी भी देवता के सामने जाएंगे, कहीं भी जाइए, ये पांच चीजें हमारे पास जरूर होना चाहिए। अब उसके बाद जब हम पहुंचते हैं तो भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करने से पहले शंकर भगवान की जो देहली होती है, जो दरवाजा होता है, उसके दोनों तरफ हमें थोड़ा जल छोड़ना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान के दो गणों का निवास मुख्य द्वार पर होता है, कीर्तिमुख और नंदीश्वर। दरवाजे पर ओम कीर्तिमुखाय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, ये कहकर के हमें जल छोड़ना चाहिए। और जल छोड़ने के पश्चात मंदिर में भीतर प्रवेश करके, शिवालय में प्रवेश करके, सर्वप्रथम हमें भगवान श्री गणपति जी का पूजन करना चाहिए। शिव पंचायतन में सर्वप्रथम पहले श्री गणपति जी का पूजन, भगवान श्री गणेश जी को जल अर्पण करके, और पहले चंदन का लेप, चंदन चढ़ाने का मंत्र है, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा, और श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम प्लेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगीयताम। इसी को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयाम। चंदन के बाद श्री गणेश जी महाराज का पूजन पुष्पों से करना चाहिए, और पुष्प अर्पण करें। इसके लिए पुष्पों के अनेक मंत्र हैं, नाना स्वंद पुष्पाणी यथा कालोद्भवान च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः। पुष्प अर्पण करने के पश्चात और हमें श्री गणेश जी के आगे धूप और दीप, धूप माग्रहाप्यामि दीपम दर्शयामि,
उसके पश्चात में ही नैवेद्य प्रसाद अर्पण करके और श्री गणेश जी का पूजन करके इसके पश्चात भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। शंकर भगवान को जल की धारा अत्यंत प्रिय, जल धारा सब प्रियम। शंकर भगवान को जल से स्नान, तांबे के लोटे से स्नान कराने के पश्चात में ये ध्यान रखना चाहिए कि चांदी के पात्र से शंकर भगवान को स्नान नहीं करावे, तांबे के पात्र से स्नान कराना चाहिए। पितृ पूजन में, पितरों के पूजन में चांदी और देव पूजन में तांबा उपयोग में लेना चाहिए। शंकर भगवान को पूजन करके शंकर भगवान को चंदन अर्पण करना चाहिए। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पणम। उसके पश्चात भगवान शंकर को फूल अर्पण करने चाहिए। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयम। इसके पश्चात में भगवान शंकर को बेल पत्र अर्पण करने चाहिए। ध्यान रखें आप कि जितने भी फूल पत्ते इत्यादि होते हैं वो सब सीधे ही अर्पण किए जाते हैं, लेकिन बेल पत्र भगवान शंकर पर उल्टा करके समर्पण करना चाहिए। बेल पत्र खंडित न हो, अखंडित हो, और उसकी डंडी तोड़ देनी चाहिए। बेल पत्र चढ़ाने का बड़ा दिव्य मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम समर्पण। शंकर भगवान को बेल पत्र बहुत प्रिय है और इसी बेल के पत्ताओं को खाकर श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की है, और इसीलिए फिर बेलपत्र सूखे बेलपत्रों का भी वो त्याग कर देती हैं, उनका नाम अपर्णा पड़ जाता है। बेलपत्र का इतना पुण्य बताया गया है, सब पुराण में लिखा है, शंकर भगवान पर जो बेलपत्र अर्पण किया जाता है, यदि आपके पास में बेलपत्र नहीं है और बेलपत्र अर्पण करने का पुण्य चाहते हैं तो सब पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर पर चावल अर्पण नहीं किए जाते, किंतु उन्हीं चावलों को यदि भिगोकर भोलेनाथ पर यदि अर्पण किए जाए शिवलिंग पर तो हमें बेलपत्र का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो शंकर भगवान का पूजन करके लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, इसके बाद शंकर भगवान को धूप अर्पण करें, यम वायवात्मकम धूपम समर्पयामि, और फिर दीपक रम तेजात्मकम दीपम दर्शयामि, और इसके पश्चात भगवान शंकर को नैवेद्य यानी प्रसाद भोग अर्पण करें, वम अमृतात्मकम अमृत नैवेद्यम समर्पयामि। इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करने के बाद श्री पार्वती जी का पूजन करना चाहिए पंचोपचार विधि से, और पार्वती जी का पूजन करने के बाद में ओम श्री गौरी देव्यै नमः या ओम श्री पार्वती देव्यै नमः प्रणाम नमस्कार इत्यादि करके पंचोपचार पूजन करके भगवान शंकर के जो छह मुख वाले पुत्र हैं जिनको स्वामी कार्तिकेय सदानंद स्कंद इत्यादि नामों से कहा जाता है, उनका भी पंचोपचार पूजन करके और फिर भगवान शिव के वाहन नंदी का पूजन करके और भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जो जप है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शंकर
इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान के पूजन की ये संक्षिप्त विधि मैंने आपके लिए वर्णन की। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।